नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रभान पटेल अभ्यास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में। तो इसके पहले हम जो है इफ एल्स फॉर लूप बाय लूप सारी चीज़ें देख चुके हैं, ऊपर मैंने लिंक दे रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वहाँ से देख लीजिए। तो आज हम स्विच केस के बारे में डिस्कस करेंगे और स्विच केस को समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। मैंने एग्जाम्पल लिया है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है तो अगर आप उसकी यूनिट में कन्वर्जन करना चाहते हैं तो हम उस कन्वर्जन को एक ही प्रोग्राम में स्विच केस की मदद से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स है वो मैंने सेंटीमीटर में लिया है और इसे हम कन्वर्ट करेंगे बाकी अदर वैल्यूज़ में। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले मैंने एक्स की वैल्यू ली है, कुछ भी एक रैंडम वैल्यू 2.7 मैंने यहाँ पे वैल्यू ली है सेंटीमीटर में। ओके, उसके बाद मैंने एक इनपुट कराया है कि आप जो यूनिट है वो किस में चाहते हैं। तो देखिए, इनपुट कमांड के बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप स्ट्रिंग इनपुट कराना चाहते हैं या इंटीजर इनपुट कराना चाहते हैं तो वो कैसे कराएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग इनपुट करा रहा हूँ और स्ट्रिंग इनपुट के लिए मैंने आपको बताया था कॉमा लगा के हमें यहाँ पे एस लिखना होता है। तो जो हमें यूनिट में जो स्टोर होके मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रिंग मिलेगी या एक कैरेक्टर मिलेगा। ठीक है, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं एंटर करूँगा mm, सेंटीमीटर या कुछ भी। तो देखिए स्विच केस किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे मैंने आपको सिंटेक्स दे रखा है स्विच केस का। तो स्विच केस में क्या होता है, स्विच के साथ एक एक्सप्रेशन आता है, एक्सप्रेशन या तो स्केलर होगा या कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो स्विच केस क्या करेगा, अ स्विच स्टेटमेंट टेस्ट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड कंपेयर इट विथ मल्टीपल केसेस। ठीक है, तो स्विच क्या करेगा, जो वेरिएबल की वैल्यू है उसे टेस्ट करेगा कि जो वेरिएबल की वैल्यू है वो क्या है और उसको केस के साथ कंपेयर करेगा। तो वो जिस केस के साथ भी मैच यहाँ पे करेगी वो उसका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपने इंच में कन्वर्ट करना है तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, अगर आपको फिट में कन्वर्ट करना है तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए मैंने स्ट्रिंग को इनपुट कराऊंगा और उसे हम उस केस के हिसाब से हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे हमें इनपुट में मांगता है कन्वर्ट एक्स सेंटीमीटर टू, आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ जैसे लिखता हूँ mm में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो देखिए 22.7 जो है हमें वो 27 में कन्वर्ट होके मिल गया। तो यहाँ पे आप देखने वाली चीज़ ये है कि जो मैंने केस के साथ है दो चीज़ें यूज कर रखी हैं, इंच और IN। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं अगर मैं IN लिखता हूँ, ठीक है, तब भी आप देखेंगे कि मुझे आउटपुट 6.85 मिल रहा है। और अगर मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ और अगर मैं INCH इंच लिखता हूँ तब भी मुझे सेम आउटपुट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैं दो केसेस को कंपेयर कर रहा हूँ एक में ही, मतलब या तो वो इंच होगा तभी कन्वर्जन एग्जीक्यूट होगा, अगर मैं IN लिखूंगा तब भी हमारा ये वाला जो केस है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल भी दे सकते हैं कि यूजर आपको नहीं पता IN लिखेगा इंच के लिए या डायरेक्ट इंच लिखेगा। इसी तरह मैंने फीट के लिए यूज किया है, या तो आप फिट लिखेंगे या FT लिखेंगे या मीटर लिखेंगे या M लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने इंच में कन्वर्ट किया है, फिर फिट में कन्वर्ट किया है, फिर मीटर में कन्वर्ट किया है, फिर केस में कन्वर्ट किया है। और अगर ये चारों कंडीशन हमारी नहीं मैच करती हैं तो हमें क्या डिस्प्ले करेगा, अननोन यूनिट डिस्प्ले करेगा। जैसे कि मैं आप प्रोग्राम को रन करता हूँ और अगर यहाँ पे मैं लिखूँ kg तो आपको देखिए आउटपुट में क्या मिलेगा, अननोन यूनिट kg की kg जो है हमने प्रोग्राम में डिफाइन नहीं की। अगर उसी चीज़ को kg को मैं यहाँ mm को हटा के kg कर दूंगा तो हमारा ये जो है बाई इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई 10 एग्जीक्यूट होगा और हमें रिजल्ट इस हिसाब से मिलेगा। तो देखिए हमने क्या किया, स्विच के साथ यूनिट्स लिखा, जिस भी चीज़ को आप कंपेयर करना चाहते हैं किसके साथ कंपेयर करना चाहते हैं वो हमारा केस के साथ आएगा। तो जिस भी केस के साथ हमारा कंपेरिजन मैच कर जाएगा वो वाला केस हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और उस हिसाब से हमें आप यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। तो ये जो है हमारा एक स्विच केस है कि ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप अपने प्रोग्राम में ये जो स्ट्रिंग नहीं लेना चाहते, आप इंटीजर के फॉर्म में कंपेयर करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ से ऐसे हटा देता हूँ तो हमारी जो वैल्यू है वो इंटीजर फॉर्म में स्टोर होगी और मैं जो यहाँ पे इंच मैंने लिखा है इसे मैं यहाँ पे वन लिख लेता हूँ सिंपल। और मैं इस प्रोग्राम को जब रन करूँगा और मैं यहाँ अगर वन टाइप करूँ तो जो हमारा केस वन है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि मैंने यहाँ केस भी क्या दे रखा है, वन दे रखा है। यूनिट की वैल्यू भी क्या है, वन है, इसलिए ये दो जो स्विच है वो केस के साथ मैच कर गया और यूनिट और जो जो
y इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई 2.54 वो है जो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीका था जो मैं आपको ये बताना चाहता था कि आप या तो स्ट्रिंग कंपेयर कर लीजिए, मीन्स या तो आप कैरेक्टर कंपेयर कर लीजिए या इंटीजर कंपेयर कर लीजिए, तो बोथ केस में आपका जो स्विच और जो स्विच केस है वो एक्टिव सेम काम करता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया हो। तो अगर आपको बेसिक आइडिया है सी लैंग्वेज का तो आपको इसको समझने में डिफ़िकल्ट नहीं होगा, क्योंकि ये सिंपल उसी तरीके से काम करता है जैसे सी में काम करता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट्स करके हमें बताइए कि आपको वीडियो से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि मैं और अच्छे से इम्प्रूव कर सकूँ तो आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।